बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सभागार में राखी मेकिंग प्रतियोगिता एवं रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। विभिन्न परिधानों से सुसज्जित छात्र छात्राओं ने अपनी कला को उकेरा। सावन एवं रक्षाबंधन के गीतों से कार्यक्रम स्थल गूंजता रहा। रक्षाबंधन का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षित दिखा, क्योंकि छात्र छात्राओं को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम का अलौकिक संबंध को दर्शाया। सभी बच्चों ने रक्षाबंधन से पहले राखी बांधते हुए संकल्प लिया कि इस भाई बहन के प्रेम को सतत बनाए रखेंगे एवं इसे निभाते रहेंगे। विद्यालय के प्रबंधक एसपी सिंह ने बच्चों के बेहतर तरीके से आयोजित राखी के कार्यक्रम को सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि वर्तमान शिक्षा में इन चीज़ों का समावेश एवं उपयोगिता पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान से थोड़ा भी कम नहीं है। आज के समय में बच्चों में आर्ट एवं क्राफ्ट के क्षेत्र में रुचि बढ़ा है, लेकिन अभी और बेहतर करने की जरूरत है। हमारा संस्थान यह मानता है कि सभी बच्चों में प्रतिभा अपार है, बस उसे सही जगह पर मौका देने की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रम से सभी बच्चों में जागृति बढ़ती है और भविष्य में सभी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है एवं आसानी से अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, जिससे उनका जीवन सफल होता है। विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं उन्हें 15 अगस्त के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर एक बेहतर रंगोली का भी निर्माण किया गया था, जो पूरे सभागार को आकर्षित कर रहा था। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक रंजन कुमार सिंह, रोहित कुमार, साइस्ता, आर्या, वैष्णवी, सुहाना, अफसाना, काजल, स्नेहा, दीपक कुमार आदि शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए संस्था ने सभी शिक्षकों को आभार प्रकट किया। पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन का फंक्शन हो रहा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं और रक्षाबंधन मना रहे हैं। सभी एक दूसरे, हम लोग अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोगों ने विद्यालय में आज राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन के साथ साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी रखा है विद्यालय में। ये बच्चों के बीच में ये जाए कि जो रक्षाबंधन जो पर्व है, ये भाई और बहनों का दोनों का बहुत ही महान पर्व होता है, क्योंकि हर भाई ये चाहता है कि हमारी बहन जो है वो हम उसके साथ हैं, उसको कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं है। दोनों का जो ये फेस्टिवल है बहुत ही महान फेस्टिवल है। इस तरह का जो है कार्यक्रम पहली बार देखने को मिल रहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। हाँ, मैंने ये फेस्टिवल इस बार विद्यालय में थोड़ा पहले से ही मेरे मन में ये विचार था कि नहीं, 13 तारीख को अमृत महोत्सव है, लेकिन उसके पूर्व बच्चों के बीच में रक्षाबंधन का एक संदेश जाए, छोटे छोटे बच्चों के बीच में रक्षाबंधन का संदेश जाए कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन मेकिंग कॉम्पिटिशन हमने विद्यालय में रखा है, बच्चे अपने घर से खुद सामान लाए हैं और अपने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं खुद से रक्षाबंधन बना भी रहे हैं, और उसमें जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको हम 15 अगस्त को पुरस्कृत भी करेंगे। ये हमारी योजना है और संस्था ये चाहता है कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, उस प्रतिभा को दिखाना है और वो प्रतिभा तभी दिखेगा जब उन्हें संस्था मौका देगा। कैसा राखी बना रही है बच्चे? बच्चे काफ़ी अच्छा राखी बना रहे हैं, ये तो आप भी देखे होंगे। यहाँ पर रंगोली का भी निर्माण हुआ है, इसको भी आपने देखा होगा। और हमारा विद्यालय इन सब चीज़ों को करने के लिए हमेशा बच्चों के बीच में प्रेरणा भरता है, शिक्षकों के बीच में भी प्रेरणा भरता है कि नहीं, अगर आप में कला है, अगर आप कला में माहिर हैं तो अपने कला को आप दिखाइए अभिभावकों के बीच, आप लोगों के बीच, ताकि संस्था के साथ साथ शिक्षकों का भी गौरव ऊपर उठे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है और आपका सहयोग इतना मिलता है, किस तरह से इसके लिए मैं प्रशंसा करूँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी आपका ध्यान रखता है। और रक्षाबंधन जो है साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हर एक साल होता है, लेकिन इस साल मेरी जो योजना थी विशेष ढंग से करने की, क्योंकि साइंस सेंट्रल स्कूल के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड से देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि भाई
हमारी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को किस तरह से साइंस सेंट्रल स्कूल ने संस्कार दिया है वो जितने भी उसकी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। कैसा लगा सर इस कार्यक्रम का आयोजन करके? यह कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद तो बहुत ही अपने आप को सुकून मिल रहा है कि हमारा स्कूल के जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं और मेरी यह कोशिश होगी कि हर एक साल इस तरह का कार्यक्रम हम ग्रामीण क्षेत्र में करें जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास हो और उनका किसी प्रकार की हीन भावना न हो।